किसान संयुक्त मोर्चा एक बार फिर सरकार के पास अपनी मांग को लेकर रामलीला मैदान में आ बैठा। उसका कहना है कि जिस तरह मोदी सरकार ने अपने वादे किए थे और उन वादों को किसानों से जुड़ी हुई अभी तक नहीं पूरे किए, उनको इस वक्त पूरा कर दें, क्योंकि इस वक्त चुनावी दौर में सरकारें इस तरह के वादे पूरे करती हैं। ये जानना चाहेंगे आज कितनी गाड़ियां यहाँ पर हैं और दिल्ली के लिए आज पूरे क्या मांग है सारी बता। आज पूरे देश का किसान एक जो है ये बता रहा है कि सब इकट्ठा है, संगठित है। इसमें गाड़ियों की गिनती और ये किसानों की गिनती नहीं, हर प्रदेश से पूरे देश भर के जो किसान हैं उनके प्रतिनिधि हैं। आज जो है रामलीला मैदान में होने जा रही संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो महापंचायत है उसमें भाग ले रहे, और सबसे बड़ी बात सरकारों तक ये बात पहुंचाने की है कि जो आपने वादे करे थे उन वादों को पूरा करें, क्योंकि चुनावी टाइम पे ही जो है रेवड़ियां बटती है। किसान को भी आस है कि भाई जो सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे करे थे उन वादों को पूरा करेंगे मोदी। क्या संदेश देने की प्रयास है? भाई व्यक्ति तो संगठित ही है कि पूरे देश का किसान संगठित है, आप इसको अलग अलग थोड़ कर ना करो। उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाने की कोशिश की गई कि संयुक्त किसान मोर्चे में दरार पड़ गई, ये हो गया, किसान अलग अलग पड़ गया। सब किसान एकजुट है और पूरे देश भर के जत्थेबंदियां किसान संगठन एक साथ जो है आज रामलीला मैदान पर अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी महापंचायत।